मेरा घर में जल भरा है, पानी भरा है, मेरा नाच गल्ला सब सर गया, भूस नहीं कोरन का मिल रो है, कोई काढ़े नहीं मिलता है, सबके नाच गल्ला सबके सर गए, किसी की सहायता नहीं, किसी ने कही, किसी को देखा नहीं आया, देखते आते चलते जाते अपने, देख खेती में धान फसल सब है, सब चली गई, अब क्या भाई बताएं, अब कैसे चले। कितना बताएं, अरे कम से कम 10 बीघे धान थे, 5 बीघे तक मक्का थी। सैलाब इस तरह से आया कि हमने 2 घंटे का टाइम नहीं दिया कि गेहूं गल्ला कुछ भी निकाल लेते, सब एकदम से भर गया। हरदोई और कन्नौज के मतलब बॉर्डर पे रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं इधर से ना उधर से, क्या करूं फिर, किसके पास जाऊं, कोई मतलब तरीका तो अपनाने वाला या बताने वाला मिले उसको, उससे हम कुछ करें। 10-11 दिन हो गए सड़क की सोलिंग पे रह रहे हैं। टिक्कर का फसल चली गई, सब जो खिस्ती हमारे हमारे पास, अब खर्चा का भाई से चल रहा है, जिसे बनते इसे अगर मिलो तो खाई लो, ना मिलो भूखे पड़े। गंगा नदी से प्रभावित 2 गांव हैं, कासिमपुर और बक्सीपुर, और इन दोनों गांव में पहले हमने 100 पैकेट राहत सामग्री बंटवाई है, इसके अलावा इन्हें टेंट भी दिया गया है परिवारों, प्रभावित परिवारों को, और खाद्यान्न की व्यवस्था पहले करवाई गई है, मिट्टी के तेल का भी वितरण कराया गया है।